दोस्तों आज का वर्ल्ड काफ़ी डिजिटाइज हो चुका है, तो हमें भी टेकी बनने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। आज हम एक ऐसी ही डिवाइस की अनबॉक्सिंग करेंगे जो ई कंटेंट क्रिएट करने में, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स, डिजिटल स्केचिंग में काफ़ी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैक रेल्म। चलिए शुरू करते हैं। ये ग्राफिक्स टैबलेट मेरे लिए काफ़ी मोस्ट अवेटेड था, क्योंकि मुझे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको अमेज़न से मंगाया है मैंने। देखिए, इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक रिसिप्ट मिली हुई है जिसमें सारी डिटेल्स हमारी मेंशन है। और चूँकि मैंने इसमें गिफ्ट मैंने मंगाया था, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मेंशन है आपका कि दिस इज़ अ ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम दीपक एंड एंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम सो एंड सो। इस तरीके से आपको भी मिल सकता है। बस अमेज़न पे जाके आपको नीचे अपने ऑप्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि ये ऐसा गिफ्ट है आपके लिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमें एक सिंपल सा काफ़ी कूल बॉक्स मिला हुआ है। ये हमारा देखिए कुछ इस टाइप का बॉक्स है। इसमें सबसे टॉप पर लिखा हुआ है 1x बैकअप, जिसमें यहाँ पर आपका टैप का डिस्प्ले है और ये काफ़ी ये आपका पेन है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर इम्पोर्टर का एड्रेस, इसकी प्राइस वगैरह है। और अगर कुछ और इसके बॉक्स पर देखूँ तो इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये काफ़ी, इसकी पैकिंग तो काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी सही है इसकी पैकिंग। आइए इसको साइड में रखते हैं। अब अपना ये मेन आइटम है, ये अपना मेन बॉक्स है, अपन इसे ओपन करते हैं। वाह, जैसा आप देख रहे हैं ये काफी, इसकी पैकिंग मुझे काफी सही लग रही है। देखिए पैकिंग इसकी काफी क्यूट है। ये दो वेरिएंट्स में आता है आपका, रेड और ब्लैक। काफ़ी कूल लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी कूल लग रहा है। आइए इसको पहले साइड में रखते हैं, देखते हैं इसकी एसेसरीज क्या क्या मिली है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका ये USB है, जो आपका इस टैबलेट को आपके डिवाइस से कनेक्ट करने के काम आएगा। इसके साथ ही इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, अब इसमें देखते हैं। तो इसी USB के साथ आपको एक पैक मिला है जिसमें आपकी कुछ एक्स्ट्रा निब्स, और निब्स के साथ में ये रिमूवर है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखा जाए तो ये बीच में ये आपका कुछ मैनुअल्स हैं, ये आपकी इसमें यूजर मैनुअल्स हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, और पूरा डिस्क्रिप्टेड वे में है आपके पास। चलिए डॉक्यूमेंट्स हम साइड पर रखते हैं, सबसे पहले अपनी मेन चीज़ पर आते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्रिंट ऐप और ग्राफिक्स टैबलेट इज दिस पेन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक एक करके देखते हैं इनके बारे में और अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा एक टैबलेट है, आइए इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको इसे एलिमिनेट करना है। जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे, काफ़ी अच्छी कूल पैकिंग मुझे यहाँ पर नज़र आई। अभी तक जो भी आइटम्स मैंने मंगाए हैं उसमें इतनी अच्छी पैकिंग तो नहीं की गई थी, चाहे वो गिटार हो या कोई और भी आइटम्स हैं वो मैंने मंगाया। देखिए बात करते हैं इस टैबलेट की, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप का अवेलेबल है। रेड कलर काफ़ी कूल है। यहाँ पर आपका ये पूरा टैबलेट है, टैबलेट में ये डॉट्स हैं, ये आपका वर्किंग एरिया है, जिसके बीच में आप अपने इस पेन से राइट करेंगे और आपको विजिबल होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं इस पेन टैबलेट के बारे में कि ये जो आपका ग्राफिक्स टैब है इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला ये वैकम ब्रांड का है, ये आपका वैकम ब्रांड का है। अब वैकम ब्रांड के बाद इसकी मॉडल की बात करें तो ये मॉडल है आपका CTL 472। अब मॉडल के बाद थोड़ी और बात करते हैं इसका साइज की, तो इसका साइज है आपका 6 इंच बाई 3.5 इंच। नाउ अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो पेन है, ये पेन काफ़ी आपका स्टाइलिश और कूल है। अगर इस पेन की बात करें तो इस पेन का जो प्रेशर लेवल है वो है आपका 2048।
अब ये जो प्रेशर टिप्स पर है आपका, ये टिप्स पर है आपका प्रेशर। फिर बात करते हैं कि इस पेन की कुछ खासियत के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में। तो ये जो पेन है ये काफ़ी प्रेशर सेंसिटिव है आपका, कॉर्डलेस है। कॉर्डलेस के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इसमें कोई बैटरी नहीं पड़ती है। इसमें यहाँ पर देखिए दो एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बटन्स मिलेंगे जिनका यूज़ अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे वैकॉम ड्राइवर, फिर तुरंत आपको इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ड्राइवर्स वैकॉम। नाउ यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके। सबसे पहला है आपका मैक के लिए और दूसरा है हमारा विंडोज़ के लिए। तो हमें विंडोज़ ले लेते हैं। अगर आपका मैक है तो आप मैक ले लीजिएगा, मैक वाले ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, फिर कंफर्म डाउनलोड पर क्लिक करना है आपको। ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो चुका है, डबल क्लिक करिए इस पर, क्लिक ऑन येस, वेट फॉर सम टाइम। अब यहाँ पर ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ ये हमसे पूछ रहा है कि हमें रिस्टार्ट करना है या नहीं। ठीक है, हम अभी रिस्टार्ट कर लेते हैं। इस यूएसबी केबल को सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें इसमें कनेक्ट करना है अपने टैबलेट, कनेक्ट कर दीजिए और आप इसे प्लेस करें। अब हमें टाइप करना है सर्च बॉक्स में वैकॉम टैबलेट प्रॉपर्टीज, क्लिक करिए आप इस ऑप्शन पर। देखिए ये आपका सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं आपकी यहाँ पे। और अगर मैं इस पेन को देखूँ तो इसमें दो बटन्स हैं जैसा हमने डिस्कस किया था, टॉप वाला राइट क्लिक है और नीचे वाला स्क्रॉल है। देखिए इन सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये जो आपके डॉट्स हैं, ये डॉट्स आपका वर्किंग एरिया है। इसे आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन ही समझिए। ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बिल्कुल आप इसे अपनी स्क्रीन की तरह समझे। अब देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर नीचे थोड़ा सा मान लीजिए मुझे नीचे लिखना है तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल। काफी अच्छा, काफी स्मूथ, प्रेशर सेंसिटिव भी है। जैसे मैंने बोला था 2048 इसके प्रेशर लेवल्स हैं, काफी सही है। कम कॉस्ट में आपका बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। ये आपका राइट बटन, जो ये राइट बटन है यहाँ पर, ये आपका राइट क्लिक के लिए यूज आएगा। अब इसके बाद ये जो लेफ्ट क्लिक है ये स्क्रॉल के लिए। हमने एक बार यहाँ पे क्लिक किया और लेफ्ट बटन दबाया, ये सॉरी नीचे वाला बटन दबाया। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करूंगा ये हमारा स्क्रॉल होने लगा है। काफी स्केच बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी काफी सही है, काफी स्मूथ है और बहुत ही अच्छा वेरिएंट है आपका। कम अमाउंट में काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये आपका वैकॉम ब्रांड का। आप अगर इसे परचेज करना चाहें तो परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन along with the bell icon to get the latest updates. Thank you so much.